नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पटना से अमृतसर तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटना से अमृतसर तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना या पटना के आसपास के स्टेशनों से जो भी ट्रेन अमृतसर तक चलती है उन सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में बात करेंगे। उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में जानेंगे और उन सभी ट्रेनों के प्रस्थान के बारे में जानेंगे, यानी कि पटना या पटना के कौन से स्टेशन से कितने बजे वो रवाना होती है, कौन से प्लेटफॉर्म से वो चलती है, अमृतसर में कितने बजे पहुँचती है, कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है, और पटना से अमृतसर की दूरी जो है कितनी देरी में कवर करती है, और उसके कितने स्टेशन हैं, कौन कौन से दिन वो ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन में कौन से कोचेस हैं, और कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पटना से अमृतसर के बीच में तकरीबन 11 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से सबसे सुपर फास्ट तो है न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस, जो कि 24 घंटे 25 मिनट में अपनी जर्नी कवर करती है, और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है आम्रपाली एक्सप्रेस, जो कि 29 घंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं पटना से अमृतसर तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में। पटना से अमृतसर के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है हावड़ा अमृतसर मेल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 13005। पटना जंक्शन से रोजाना ये ट्रेन जो है रात के 3:50 पे 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 28 घंटे 50 मिनट बाद सुबह 8:40 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है, और इसके तकरीबन 44 स्टेशन हैं और 1380 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन कह सकते हैं, जो कि हाजीपुर जंक्शन से चलती है, जो कि पटना से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर का एक स्टेशन है। यहाँ से ये ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन से रोजाना सुबह 6:25 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 29 घंटे 55 मिनट बाद अगले दिन दोपहर के 12:20 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं और 1468 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। वैसे ये ट्रेन जो है कटिहार से अमृतसर के बीच में चलती है, बट इस वीडियो में पटना या पटना के आसपास के स्टेशनों से अमृतसर तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है। ये फुली अनरिजर्व ट्रेन है, आपको सिर्फ जनरल टिकट लेकर जाना होगा इस ट्रेन में, और इसका ट्रेन नंबर है 15531। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन से हर इतवार को सुबह 8:15 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 29 घंटे 35 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अमृतसर जंक्शन में दोपहर के 1:50 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, और इसके तकरीबन 20 स्टेशन से 1370 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 46 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं, आप जनरल टिकट लेकर चढ़ सकते हैं। जनरल टिकट का किराया लगभग 340 रुपये के करीब है, जो कि हाजीपुर से पटना तक का बता रहा हूँ। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें या टिकट काउंटर से कंफर्म करें। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है सरयू यमुना एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 14649। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन से हर इतवार, मंगलवार, शुक्रवार को दोपहर के 12:45 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 28 घंटे 15 मिनट बाद अमृतसर जंक्शन में शाम के 5:00 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, और इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं, 1375 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो ये ICF कोचेस वाली ट्रेन है, और इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो तकरीबन 8 कोच इसमें हैं, 4 कोच इंजन की तरफ लगाए गए हैं, 4 कोच ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसमें से एक कोच सेकंड एसी का है, 3 कोच थर्ड एसी के हैं और स्लीपर क्लास के 9 कोच हैं इसमें। इसके बाद जो अगली ट्रेन हाजीपुर से अमृतसर के बीच में चलती है वो है शहीद एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 14673। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन से हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को दोपहर के 12:45 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और
28 घंटे 15 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अमृतसर में अगले दिन शाम के 5 बजे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है और इसके तकरीबन 38 स्टेशंस हैं, 1357 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। आईसीएफ कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, जो कि है जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन। जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन का पूरा नाम है बनमंखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि फुली अनरिजर्व ट्रेन है। ये हाजीपुर जंक्शन से रोजाना दोपहर के 1:40 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 27 घंटे बाद ये ट्रेन जो है अमृतसर जंक्शन में 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे शाम के 4:40 पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 33 स्टेशन हैं, इसका ट्रेन नंबर है 14617 और 1326 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है, जनरल डिब्बों वाली ट्रेन है। सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं, तकरीबन 18 इसमें जनरल डिब्बे हैं और 340 रुपये के करीब किराया है हाजीपुर से अमृतसर तक का। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर से कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बाद हाजीपुर से अमृतसर के बीच में चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है न्यू तिनसुखिया अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15933। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन से हर बुधवार को दोपहर के 3:05 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 29:30 बाद अमृतसर में गुरुवार को रात के 8:35 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1437 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन नंबर है 15933। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। जनरल डिब्बों का एक कोच है, स्लीपर क्लास के इसमें 5 कोच हैं, एक पेंट्री कार का कोच है, थर्ड एसी के 8 कोच हैं और एसी इकोनॉमी का एक कोच है, फर्स्ट एसी का एक कोच है, 2 सेकंड एसी के कोच भी हैं। इसके बाद जो पटना से अमृतसर के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है वो है अकाल तख्त एक्सप्रेस। अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 12317। ये जो ट्रेन है हर इतवार और बुधवार को शाम को 4:10 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे 10 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अमृतसर जंक्शन में शाम के 5:20 पे 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके रुकती है, पहुँचती है और इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं, 1361 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद अमृतसर से जो हाजीपुर से अमृतसर के बीच में जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि फुली अनरिजर्व ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर है 12407। ये जो ट्रेन है हर बुधवार को शाम को 5:10 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24 घंटे 25 मिनट बाद अमृतसर जंक्शन में अगले दिन शाम के 5:35 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं, 1326 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है तो इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं। हाजीपुर से अमृतसर तक का किराया लगभग 360 रुपये के करीब है और ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन हाजीपुर से अमृतसर के बीच में चलती है वो है सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12207। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन से हर इतवार, सोमवार और गुरुवार को शाम के 7:55 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे बाद अगले दिन रात के 8:55 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1448 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर लेती है और इसकी एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। गरीब रथ टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो थर्ड एसी और एसी चेयर कार के कोच है, आईसीएफ कोचेस वाली ट्रेन है और ये इंडिया की पहली गरीब रथ ट्रेन है जो कि सहरसा से अमृतसर के बीच में चलती है। इसके बाद जो पटना या हाजीपुर को कनेक्ट करने वाली अमृतसर से जो आखिरी ट्रेन है वो है सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि वाया सरहंद होकर चलती है। ये भी फुली अनरिजर्व ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर है 14603। हाजीपुर जंक्शन से हर शुक्रवार को रात को 10:15 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे 5 मिनट बाद
रात के 2:20 पे 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 24 स्टेशन हैं, 1326 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 47 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। हाइब्रिड LHB कोचेस वाली ट्रेन है और हाजीपुर से इसका अमृतसर जंक्शन तक का किराया लगभग 307 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को आगे समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।